हेलो एवरीवन, आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में संसाधन एवं विकास का पाठ 5 उद्योग में दिए गए क्रियाकलापों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 5 और है उद्योग। इसका क्रियाकलाप 1 दिया गया है और इसमें दिया है कि नीचे दी गई वस्तुओं में से खेती से प्राप्त एवं मशीनों से प्राप्त वस्तुओं की अलग अलग सूची बनाओ। तो यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुओं के नाम दे रखे हैं जो हमें खेती से और मशीनों से दोनों से मिलती हैं। तो जैसे शक्कर है, बाल्टी, लकड़ी, बांस, टोकरी, दूध, चावल, गेहूं, कपास, डबल रोटी, सेब, मोबाइल। तो इसे हमें अलग अलग जो है वो करना है। इस साइड हमने यहाँ पर जो है ये हमने लिख दिया है जो खेती से प्राप्त होने वाली वस्तुएँ हैं, और यहाँ पर लिखा है मशीनों से प्राप्त होने वाली। मशीनों से हमें बाल्टी मशीनों से बनती हैं, मोबाइल है ये भी मशीनों से बनता है। तो इस तरह से ये दो चीज़ें ही हैं इसमें, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खेती से ही प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दी हैं, आप भी सभी बच्चे इन्हें अपने अभ्यास कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उचित मिलान करो तथा अपने क्षेत्र में स्थित उद्योगों के नाम लिखो। तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो हैं खाद्य उद्योग और वस्त्र उद्योग आ जाते हैं इसमें, और पशु आधारित उद्योग में हैं दुग्ध उत्पाद और मांस उद्योग। समुद्र आधारित में हैं मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग, और वन आधारित उद्योग में हैं कागज़ उद्योग और फर्नीचर उद्योग, और खनिज आधारित उद्योग में आ जाता है लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। अब आगे की तुम्हारे क्षेत्र में स्थित उद्योगों के नाम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे क्षेत्र में तो दुग्ध उत्पाद है, गत्ता उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है। आपके यहाँ अगर आपके क्षेत्र में इनमें से कोई और उद्योग है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब आगे है क्रियाकलाप 2, और इसमें है कि हमारा देश कृषि प्रधान है, यहाँ कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे विकसित हैं। फसलें उगाना कृषि कार्य है और उन फसलों से अन्य किस्म की वस्तुएं बनाना उद्योग का काम है। कृषि के अलावा खनिज, वन, पशु आदि प्राकृतिक संसाधनों का उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग धंधों के संचालन के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। नीचे इन चीज़ों के चित्र बने हुए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये चित्र है इसने खुद दे ही रखा है, ये जो है वो पूंजी है। और यहाँ पर देखिए ये है परिवहन के साधन। आगे यहाँ पर ये मजदूर हैं, ये बिजली, और आगे यहाँ पर ये कच्चा माल है उद्योग के लिए। यहाँ पर देखिए ये कच्चा माल दिया गया है, इसमें ये है मशीनरी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे एक बार देखिए यहाँ पर भी नीचे जो है चित्र दिए गए हैं, किस चीज़ के चित्र नज़र आ रहे हैं बताओ ये। यहाँ पर देखो ये बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं, है ना। और इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है कि इन पेड़ों को जो है किसी वाहन में, ट्रकों में लाद कर ले जाया जा रहा है, फिर इनको कारखाने में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जहाँ जैसा कि ये देख रहे हैं। फिर इन कागजों इनको काट कर टुकड़ों में फिर इनकी लुगदी बनाई जा रही है। ये देखिए यहाँ पर इनकी लुगदी बनाई जा रही है। इनकी लुगदी बनाने के बाद इन्हें पूरे इनका कागज़ बनाया जा रहा है। ये देखिए ये पूरी सीट बना दी गई है इतनी लंबी सी। इनको फिर इनसे सीटों से ये अखबार छाप रहे हैं। यहाँ पर अखबार हैं, किताबें हैं, ये बना दी गई हैं।
फिर यहाँ पर देखिए इस चित्र में सभी अखबार पढ़ रहे हैं और ये यहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इसी चित्र पर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखो, यह किस उद्योग से संबंधित है, इसकी प्रक्रिया लिखो। तो ये चित्र जो है वो कागज उद्योग से संबंधित है। इस उद्योग में कच्चा माल पेड़ होते हैं, उन्हें काट कर फैक्ट्री में ले जाया जाता है, फिर उसे मशीनों की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इन टुकड़ों की लुगदी बनाई जाती है, फिर लुगदी से मशीनों के माध्यम से कागज बनाया जाता है और उस कागज का प्रयोग न्यूज़पेपर छापने में किया जाता है। न्यूज़पेपर और किताबें भी लिख सकते हो आप, किताबें छापने में किया जाता है। आगे है किसी क्षेत्र में विद्यमान उद्योग के उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करने अथवा अन्य लाभ लेने के लिए उद्योगों का समूह विकसित हो जाता है। ऐसे समूह को औद्योगिक प्रदेश अथवा औद्योगिक संकुल कहते हैं। अब यहाँ क्रियाकलाप तीन दिया है और इसमें यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। ये विश्व औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर पूरे विश्व का दिखाया गया है उद्योगों के बारे में कि विश्व की औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। और यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऊपर दिए गए मानचित्र की सहायता से तालिका में दर्शाए गए औद्योगिक प्रदेशों में शामिल औद्योगिक केंद्रों के नाम लिखो। तो अब जैसे कि औद्योगिक प्रदेश यहाँ दिए हैं, उनके नाम हमें औद्योगिक केंद्रों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे पूर्वी उत्तरी अमेरिका में है पीटर्सबर्ग लौह इस्पात केंद्र है, ये पश्चिमी में मध्य यूरोप में है राइन रूहर जर्मनी, पूर्वी यूरोप डॉनबास और यूक्रेन ये धातु और कोक उद्योग का केंद्र है, पूर्वी एशिया ये टोक्यो में है, जापान में टोक्यो जो है वहाँ पर औद्योगिक केंद्र है जो है, ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी मेलबोर्न में, और आगे दक्षिणी अमेरिका औद्योगिक प्रदेश का जो है वो है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, और अफ्रीका में है इजिप्ट दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ पर इसी तरह से यहाँ देखिए यह है कि पाठ्यपुस्तक यहाँ एटलस की सहायता से भारत के मानचित्र में भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की स्थिति को दिखाओ। तो इसमें जो है जैसे कि अब यहाँ है मुंबई है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गुड़गांव, ये जो है आपको दिखाया जाएगा औद्योगिक प्रदेशों की स्थिति कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा गुड़गांव, यानी कि अब पहले गुड़गांव कहते थे इसको, अब गुरुग्राम जो है नाम दे दिया गया है, तो गुरुग्राम ही हम इसे कहेंगे और आप भी अपनी कॉपी में इसे गुरुग्राम ही लिखना। और यहाँ पर जैसा कि ये नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात है, यहाँ पर ये जो है मुंबई है, और ये है यहाँ पर तमिलनाडु। तो इस तरह से ये हमने इसे दर्शा दिया है। अब आगे यहाँ है कि अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। नीचे कॉलम के उद्योगों के नाम व उद्योगों के लिए प्रयुक्त कच्चे माल को दर्शाया गया है, सही जोड़ों का मिलान करें। तो अब जैसे कि चीनी उद्योग है तो उसका कच्चा माल हमें गन्ना मिलता है, गन्ने से जो है वो चीनी उद्योग लगाया जाता है, चीनी बनती है। सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए कपास की आवश्यकता होती है, कच्चा माल कपास होता है। लोहा इस्पात उद्योग है लोह अस्क होता है कच्चा माल, और सीमेंट उद्योग में कच्चा माल है चूना पत्थर, और पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चा माल है खनिज तेल। अब आगे यहाँ नेक्स्ट आ जाता है कि विश्व के प्रमुख कच्चा माल एवं प्राप्ति क्षेत्र का सही मिलान करो। तो इसमें लोहा इस्पात उद्योग जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका पीट्सबर्ग, और वस्त्र उद्योग भारत में अहमदाबाद में है, और सूचना प्रौद्योगिकी है सिलिकॉन घाटी। अब आगे यहाँ पर आगे है कि नीचे दिए गए मानचित्र में भारत के प्रमुख लौह इस्पात एवं बाहरी इंजीनियरिंग निर्माण उद्योग की स्थिति दर्शाई गई है, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर देखिए एक बार ये उद्योग लौह इस्पात उद्योग है, जैसे यहाँ गुड़गांव है, अजमेर, बोकारो, भोपाल, रांची, भिलाई, राउरकेला, ये सभी जो हैं वो दर्शाए गए हैं यहाँ पर
कुछ इनमें भारी इंजीनियरिंग निर्माण उद्योग भी हैं और लो इस्पात भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इन्हें बताना है, जैसे कि अब पश्चिमी बंगाल में है लो इस्पात केंद्र है दुर्गापुर और भारी इंजीनियरिंग केंद्र है हावड़ा। तो अब जैसे दुर्गापुर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखो नज़र आ रहा होगा, ये है दुर्गापुर। तो इस तरह से ये हमें मानचित्र में से ही जो है वो ढूंढना है। अब जैसे है यहाँ पर है झारखंड, झारखंड में लो इस्पात केंद्र है बोकारो और भारी इंजीनियरिंग केंद्र है रांची। तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे ये बोकारो और ये है यहाँ पर रांची, ये ऐसे कर देखते हैं एक बार इसको, यहाँ देखो ये है बोकारो और यहाँ पर देखो ये रांची नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पर है ये। अब जैसे कि इसी तरह से है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु में लो इस्पात केंद्र सेलम में है और भारी इंजीनियरिंग केंद्र चेन्नई में है, सेलम और चेन्नई। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं यहाँ देखो ये है सेलम और यहाँ पर है चेन्नई। अब इसी तरह से यहाँ आंध्र प्रदेश में लोह इस्पात केंद्र विशाखापट्टनम है और भारी इंजीनियरिंग केंद्र जो है वो हैदराबाद में है। तो यहाँ विशाखापट्टनम, ये देखो ये है विशाखापट्टनम यहाँ पर और ये है हैदराबाद। तो हमने ये दर्शा दिए हैं और लिख भी दिए हैं। अब आगे है कि जमशेदपुर साक्ची में लोह इस्पात उद्योग होने के क्या कारण है। तो हम लिखेंगे इसमें कि जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में स्थित है जो भारत की सबसे समृद्ध लो एस्क खनिज बेल्ट है। यह कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह के पास स्थित है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि नीचे दिए गए मानचित्र में भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र दर्शाए गए हैं, इन्हें पहचान कर मानचित्र में राज्यों के नाम लिखो। तो अब यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र उद्योग जो है दर्शाए गए हैं, यहाँ देखो पहले तो सूती वस्त्र उद्योग दिया है और इन्हें इस तरह से इस साइन के थ्रू जो है वो दर्शाया गया। यहाँ आपको बार बार ये साइन नज़र आ रहा होगा, है ना, तो इस साइन से दर्शाया गया। तो ये साइन जहाँ जहाँ हैं उनके हमें नाम लिखने हैं कि कौन कौन से राज्यों में है। जैसे यहाँ पर देखो ये एक ही है, इसमें एक ही जगह पर है उत्तर प्रदेश में, ये राजस्थान में है, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ देखो एक ही जगह पर है इसमें भी पश्चिम बंगाल में भी, और यहाँ है ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश। तो ये हमने दर्शा दिए हैं। अब नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो उसमें कपास, जूट, ऊन, ये सब कच्चा माल में जो यूज किया जाए, इन कच्चा माल को जो है सूती वस्त्र उद्योग में काम में लाया जाता है। आगे की भारत के दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग के ज़्यादा होने के क्या क्या प्राकृतिक एवं मानवीय कारण हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास है जो काली मिट्टी में अधिक होता है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, एक तो कारण ये भी हो सकता है इसका। और आगे जो है ये भी हो सकता है कि कच्चा माल की उपलब्धता भी इसमें हम लिख सकते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा है हमारे यहाँ, कच्चे माल हम लिखेंगे कच्चे माल की उपलब्धता, इतना भी लिख सकते हैं आप इसमें। अब आगे आ जाता है क्रियाकलाप चार और इसमें है नीचे दी गई वस्तुएं किस उद्योग से मिलती हैं, इन्हें छांटकर सही तालिका में भरो। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तुएं दी गई हैं, हमें किस किस उद्योग से मिलती हैं वो लिखना है। उद्योगों के नाम यहाँ लिख रखे हैं, वस्त्र उद्योग है, रासायनिक उद्योग, भारी इंजीनियरिंग निर्माण उद्योग, कुटीर उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, और ये उद्योगों से प्राप्त वस्तुएं हैं जो हमें इन उद्योगों से वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आप ये जो है अपने बुक में लिख सकते हैं, तो एक बार देखिए और इन्हें लिख लीजिए। अब आगे यहाँ पर है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों को एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र पर अंकित करो, कौन सा केंद्र तुम्हारे राज्य में स्थित है, घेरा बनाकर दर्शाओ।
तो जो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जो केंद्र हैं वो है यहाँ पर, ये देखिए, ये है चंडीगढ़, यहाँ पर हरियाणा में ही है, ये दिल्ली में है, यहाँ पर है ये पुणे, ये है मुंबई में है, ये हैदराबाद और ये है बेंगलुरु में। और इसने हमें इसे दर्शा दिया है, साथ ही इसने यहाँ पर कहा था कि कौन सा केंद्र तुम्हारे राज्य में स्थित है। तो हमारा राज्य हरियाणा है और हरियाणा में है ये चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र चंडीगढ़, ये जो है। तो इसे इन्हें कहा था कि घेरा बनाकर समझाइए, तो हमने यहाँ पर इसके घेरा इसके चारों लगा दिया है। अब यहाँ आगे आ जाते हैं कि आओ खोज करें। कक्षा के बच्चे 5-5 का समूह बनाकर किसी भी निकट के उद्योग में जाओ और वहाँ जाकर पता लगाओ उद्योग का नाम, किस प्रकार का उद्योग है, कौन सी वस्तुएं बनती हैं, कौन कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल होता है, कैसा माल, कच्चा माल कहाँ से लाया जाता है, कितने लोग काम करते हैं, ये कहाँ के मूल निवासी है, मशीनों के लिए बिजली कहाँ से आती है, उद्योग की वस्तुएं कहाँ बेची जाती है, क्या अन्य राज्यों में भी इसका बाजार है, किन किन परिवहन के साधनों का उपयोग होता है, ये सारी सूचनाएं बच्चों आपको इकट्ठी करनी है और फिर एक प्रोजेक्ट बनाना है और कक्षा के अन्य बच्चों के साथ इस बारे में चर्चा करनी है, ये काम आप खुद करेंगे। आगे आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 54-56 पर दी गई जानकारी के आधार पर लोहा उत्पादक देशों के नाम लिखो, तो ये यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं, सभी बच्चे इसे लिख भी लें और याद भी कर लें। आगे यहाँ पर है सही कथनों को सही टिक निशान लगाओ, टिक का निशान, और गलत कथनों पर आगे क्रॉस का निशान लगाओ। इसमें है इस्पात बनाने के लिए लोहे में कार्बन मिलाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, टिक लगा देंगे। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बात गलत है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये ऐसे आना चाहिए था। आगे है सिलिकॉन घाटी सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये ठीक है। सूचना के प्रसंस्करण तथा और वितरण के लिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को ही सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ये भी सही है, इसे हम टिक कर देंगे। आगे है सूती वस्त्र उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है। नेक्स्ट है खाली स्थान भरो, और इसमें है कि यहाँ पर पहला सेंटेंस कि जापान का मैनचेस्टर डैश नगर को कहा जाता है, इसमें आ जाएगा ओसाका, यहाँ ये पहले में आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लोह इस्पात केंद्र पीटर्सबर्ग है, ये दूसरे में लिखेंगे। अहमदाबाद यानी सूती वस्त्र केंद्र गुजरात में साबरमती के तट के पास स्थित है, ये तीसरे में आ जाएगा। और भारत में वायुयान निर्माण व सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलोर नगर में है, ये चौथे में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे खाली स्थान आपको खुद भरने हैं। तो बच्चों आज ये चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म होता है, और आगे फिर मैं आपके लिए और नया चैप्टर लेकर आऊँगी, फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर में। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।